एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लंबे समय के बाद में आखिरकार बड़ी खुशखबरी आ ही चुकी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियली साइट पे 22 तारीख को देर रात को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। कब से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, कब से कब तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। एग्जाम डेट भी यहां पर एसएससी की तरफ से बता दी गई। आखिर लंबे समय के बाद में आपका इंतजार खत्म हो चुका है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 का इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक और अच्छी खबर यहां पर आ चुकी है। दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, यहां पर हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि इस बार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज क्रिटेरिया क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी होगी, ये सारी जानकारी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और साथ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूं। यहाँ पे 22/9 को ये नोटिस जारी हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पर पॉइंट नंबर 20 कॉन्स्टेबल जीडी इन कैप्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2020 आपका एग्जाम होगा, वो सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर बात करें तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कब आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी लगातार बताया था कि मार्च तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी और ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। 25 मार्च को आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर 10/5 तक आप इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जबकि एग्जाम की डेट भी यहाँ पर आ चुकी है। एग्जाम की डेट आपकी 2/8/2021 से लेकर 25/8/2021 तक आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है। आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद में आपका इंतजार खत्म हो ही चुका। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस बार का फॉर्म है वो कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, डिटेल से विस्तार से नोटिस में बात करने वाले। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 में भर्ती होना चाहते हो तो यहां पर आपकी 76,000 के लगभग आपकी वैकेंसीज आने वाली है। 76,000 से ज्यादा पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। अभी तक एसएससी ने वैकेंसी नहीं बताई है कि इस बार की एसएससी जीडी में कितनी वैकेंसीज आएगी, लेकिन हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से साफ साफ बताया गया कि 1,00,000 के लगभग वैकेंसी है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में खाली पड़ी है। ऐसे में इस बार की भर्ती आपकी बड़ी व बम्पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बात कर लेते कि इस बड़ी व बम्पर भर्ती का फॉर्म कौन कौन से युवा अप्लाई कर पाएंगे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि इतने बड़े पदों पर भर्ती होने वाली एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है और वो भी लंबे समय के बाद में, 2018 के बाद में, अब 2021 में सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट यहाँ पे एसएससी की तरफ से करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ रिक्रूटमेंट एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन जनरल ड्यूटी 2021 और कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपकी एसएससी आपका एग्जाम लेने वाली है। यहाँ पर पूरी बात करें तो पोस्ट नेम आपका कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल कैंडिडेट की होगी। एग्जाम का लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पर एग्जाम होने वाला है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। सलेक्शन स्टेज की बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। दोस्तों, आपका एग्जाम का मोड है वो ऑनलाइन होगा और एग्जाम की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाली है। अब यहां पर बात कर लेते हैं एसएससी जीडी इलिजिबिलिटी 2021, 2021 की एसएससी जीडी की क्या क्या योग्यता रखी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हो नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक है वो इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कोई से भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करता हो।
एज क्रिटेरिया की बात कर लेते, यहां पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 23 वर्ष, जी हां दोस्तों 18 से लेकर 23 वर्ष वाले सभी युवा इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की आयु में छूट मिलने वाली है। वही बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं पास वाले सभी विद्यार्थी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पे 10th पास रखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसकी डेट, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कब से आपका जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर अभी तक एग्जाम डेट और आपके नोटिफिकेशन की डेट ही यहां पर एसएससी की तरफ से बताई गई है। तो यहां पर नोटिफिकेशन की बात करें तो 25 मार्च 2021 को आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियली तरीके से जारी हो जाएगा। एसएससी को जीडी को नोटिफिकेशन 2021 विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 25 मार्च को डिक्लेयर होगा। वही एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 25 मार्च 2021 से लेकर 10 मई 2021 तक आपका वो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे शुरू होगा। वही यहाँ पर आप देख सकते हो एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2021 एप्लीकेशन प्रोसेस विल बिगिन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 25 मार्च से लेकर 10 मई तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर बता दी गई है। अगर नेक्स्ट बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 2 अगस्त 2021 से लेकर 25 अगस्त 2021 तक आपका एग्जाम होगा और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, तो ये भी आपके लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो एसएससी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एसएससी जीडी का जो भी यहाँ पर प्रक्रिया होगी वो सबसे पहले आपके सीबीटी टेस्ट के द्वारा होगी, उसके बाद में सीबीटी में क्वालिफाई होने वाले 12 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों को पीएचडी और पीएचडी में क्वालिफाइड होने वाले कैंडिडेटों का डीएमई होगा डॉक्यूमेंटों के साथ में मेडिकल टेस्ट, उसके बाद में आपका रिव्यू मेडिकल और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको अलग अलग है वो वैकेंसीज में पोस्ट हैं वो यहाँ पर आवंटित की जाएगी। दोस्तों पिछली बार की तरह इस बार भी आपकी वैकेंसी में सारी वैकेंसी आपको मिल जाएगी, जैसा कि एनआईए के साथ में एसएसएफ के बाद में सीआईएसएफ एसएसबी सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी और असम राइफल, इन सभी पदों पर ही आपकी भर्ती होने वाली है। दोस्तों इस बार की भर्ती वो बड़ी वो बम्पर भर्ती होगी, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फीस की, कैंडिडेट नीड टू पे ₹100 एप्लीकेशन फी फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए आपको ₹100 की फीस आपको देनी होगी। वुमेन ऑफ आल कैटेगरी, वुमेन के साथ में आल कैटेगरी जैसा कि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी पेमेंट, यहाँ पर वुमेन के साथ में ही एससी एसटी और सर्विसमैन के जो कैंडिडेट है उनको यहां पर फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर बात करें कैंडिडेट शुड बी 10th पास होने वाले हैं, 10th पास होने वाले अभ्यर्थी सभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन आर इंटिटेड टू सैलरी ऑफ, यहां पर आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको जो सैलरी है दोस्तों वो 21,700 से लेकर ₹69,100 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो पासिंग मार्क, रिटर्न में पास मार्क, व्हाट इज द क्वालिफाई कट ऑफ और सीबीटी, सीबीटी की जो क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स है वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो इस बार कितने रखे गए, द कट ऑफ मार्क्स ऑफ सीबीटी 35% ऑफ जनरल, जनरल के लिए 35% है, जबकि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% यहां पर नंबर आपको लाने होंगे। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है जो एसएससी की तरफ से रखा गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट ऑफ पीटी पीएचडी बेसिस ऑफ मेरिट इन सीबीटी यूजुअली 10 times द नंबर ऑफ वैकेंसी, आपकी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जी हां दोस्तों 12 गुना नहीं 10 गुना कैंडिडेट को ही यहां पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं, हाउ द फाइनल एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट डन, तो द फाइनल एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट इज
डन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द सीबीटी पीएसटी पीटी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आर क्वालिफाइंग नेचुरल। मतलब इन्होंने बताया कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीबीटी टेस्ट उसके साथ आपका फिजिकल और मेडिकल में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों का ही यहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक ये एक बड़ी और अच्छी खुशखबरी पहुँच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।